एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट, लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता है आपके बोर्ड्स के अंदर भी कि लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डेंस में काम करता है। कैसे करता है? देखो, इस लॉ को समझने के लिए पहले इस पॉइंट को भी समझो कि सपोज करो आपके पास एक लूप है, ये आपके पास एक लूप है, ये रेस्ट पे पड़ा हुआ था। आप एक मैग्नेट को इसके पास लेके आ रहे हो और मैग्नेट का नॉर्थ है और ये साउथ है। अब ये एग्जांपल पिछले एग्जांपल से डिफरेंट है। पिछले एग्जांपल में क्या था, मैं बी ऐसे इंक्रीज़ कर रहा हूँ डिक्रीज़ कर, मैं मैग्नेट थोड़ा पास लेके आ रहा हूँ, बस मैं ऑटोमेटिकली ये बोल रहा हूँ कि बी किसी भी तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। इस बार मैं क्या पास लेके आ रहा हूँ, मैं मैग्नेट पास लेके आ रहा हूँ। अब मैग्नेट जब मैं पास लेके आ रहा हूँ तो इस कॉइल का फ्लक्स बढ़ेगा, जब भी मैग्नेट इसके पास आएगा इसका फ्लक्स बढ़ेगा। कॉइल नहीं चाहता कि इसका फ्लक्स बढ़े, कॉइल अपने अंदर करंट पैदा करेगा। अब ये भी आपने सुना होगा, हमने किया था करंट कैरिंग लूप एक्ट लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल, या सोलेनोइड में भी किया था, अगर कोई लूप में करंट है और अगर मुझे करंट क्लॉकवाइज नजर आ रहा है तो साउथ पोल है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्थ पोल है। ये याद रखना कि कहीं भी अगर मुझे साउथ पोल दिखे इसका मतलब करंट वहां पर क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज दिखे तो करंट वहां पर नॉर्थ पोल है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब इमेजिन करो ये आपके पास क्वाइल है और नॉर्थ पोल पास आ रहा है। जब नॉर्थ पोल पास आ रहा है, नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो ये क्वाइल क्या चाहता है कि भाई मैग्नेट इसके पास ना आए। क्यों पास ना आए? क्योंकि जब मैग्नेट इसके पास आ रहा है तो इसका फ्लक्स बढ़ा रहा है। क्वाइल नहीं चाहता कि इसका फ्लक्स बढ़े, क्वाइल क्या करेगा, इसे अपोज करेगा। अपोज क्या कहता है? क्वाइल कहता है कि भाई देख, मैग्नेट तू मेरे पास आ रहा है, मैं नहीं चाहता तू मेरे पास आए, मैं चाहता हूं कि तू मेरे से दूर दूर रहे, क्योंकि तेरे पास आने से मेरा फ्लक्स बढ़ता है। तो मैग्नेट तो पास आ ही रहा है, तो कॉइल कहता है ठीक एक काम करते हैं, अब मैं ऐसे करंट इसमें पैदा करूंगा कि ये वाला फेस विल एक्ट लाइक नॉर्थ। क्यों नॉर्थ? क्योंकि कौन पास आ रहा है? नॉर्थ। तो अगर नॉर्थ पास आ रहा है तो ये फेस नॉर्थ एक्ट करेगा ताकि नॉर्थ नॉर्थ को क्या कर सके, रिपेल, ताकि दूर, ताकि इसको अपोज कर सके। तो नॉर्थ पोल का मतलब यहां पर करंट मुझे कैसे नजर आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब सोचो उल्टा, मैं अब नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहा हूं, अब मैं दूर लेके जा रहा हूं, जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, अब कॉइल कहता है अच्छा अब दूर जा रहा है, मेरा फ्लक्स क्या हो रहा है? डिग्रीज। अब कॉइल कहता है मैं अपना फ्लक्स डिग्रीज नहीं होने दूंगा, मैं अपने फ्लक्स को बढ़ाऊंगा। कैसे? अब ये मैग्नेट को कह रहा है तू मेरे से दूर मत जा। अब मैग्नेट तो दूर जा रहा है, नॉर्थ तो दूर जा रहा है, तो ये अब कौन सा पोल डेवलप कर लेगा? साउथ। तो करंट कैसा दिखेगा? क्लॉकवाइज, ताकि साउथ इस जाते हुए नॉर्थ को क्या कर सके, अट्रैक्ट, ताकि इसका फ्लक्स कम ना हो। तो जब नॉर्थ पास लेके आ रहे हो तो नॉर्थ, जब नॉर्थ दूर लेके जा रहे हो तो साउथ। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, अपोजिशन कैसे हो रही है इसमें, क्लियर है? तो अब आप ये देखो, जब नॉर्थ पास आ रहा है तो ये वाला फेस नॉर्थ हो जाएगा ताकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर सके और ये अपना फ्लक्स बढ़ा ना सके, और जब नॉर्थ दूर जाएगा तो ये साउथ हो जाएगा ताकि नॉर्थ को अट्रैक्ट कर सके। अब इन एनी केस आप ये मानो कि अगर नॉर्थ पोल पास आ रहा है और यहां पर क्या डेवलप हो गया, नॉर्थ पोल है ना, करंट एंटी क्लॉकवाइज। अब नॉर्थ जब पास आ रहा है, ये भी नॉर्थ हो गया, तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर रहा है, मैग्नेट मेरे हाथ में है और मैं क्या कर रहा हूं, मैग्नेट को पुश कर रहा हूं। अब मैं जितनी तेजी से पुश कर रहा हूं इसका फ्लक्स उतना ही ज्यादा चेंज हो रहा है, इसका करंट और तेज हो गया, नॉर्थ और स्ट्रांग हो गया, नॉर्थ ने नॉर्थ को रिपेल किया। अब मेरी क्या लग रही है इसमें, मैकेनिकल एनर्जी, मैं क्या कर रहा हूं, उसको पुश कर रहा हूं, मैं वर्क डन कर रहा हूं, मेरी मैकेनिकल एनर्जी लग रही है, क्योंकि नॉर्थ को पास लेके जाने का मतलब यहां भी नॉर्थ के साथ ऑपोजिशन फेस करना, तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर रहा है और मैं इसमें वर्क डन कर रहा हूं, और मेरी मैकेनिकल एनर्जी लग रही है इसको पास लाने, मैग्नेट को पास लाने में, वो मैकेनिकल एनर्जी इस लूप में कन्वर्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उल्टा लगा लो, अगर नॉर्थ दूर जा रहा है तो ये क्या डेवलप करेगा, साउथ। अब साउथ नॉर्थ को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, पर मैं मैग्नेट को क्या लेके जा रहा हूं, दूर लेके जा रहा हूं। जब मैं मैग्नेट को दूर लेके जा रहा हूं तो उस केस में क्या हो रहा है, ये और साउथ डेवलप कर रहा है ताकि अट्रैक्ट, तो मेरे को फिर वर्क डन करना पड़ रहा है, मेरे को फिर मैकेनिकल एनर्जी लगानी पड़ रही है ताकि नॉर्थ दूर जा सके। तो ऐसे केस में फिर से मेरी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दिस इज लेंज लॉ, हम बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डेंस में काम कर रहा है। तो ये आपने एक्सप्लेन भी करना है एग्जांपल के साथ, जब नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, द अपर फेस ऑफ द कॉइल एक्वायर्स नॉर्थ पोलैरिटी, नॉर्थ पास जाएगा तो नॉर्थ पोलैरिटी, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन इन ब्रिंगिंग द मैग्नेट
क्लोजर टू द कॉइल, तो मैग्नेट को पास लाने के लिए काम करना पड़ेगा और वही वर्क डन कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें?